नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दरअसल ये सारी बात शुरू कहां से हुई इसके बारे में आपको बताएं तो अमित मालवीय ने 7 जनवरी को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक फ़ोटो को भी शेयर की और उस फोटो के अंदर अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिम्पल यादव और कई अन्य लोग नज़र आ रहे थे और उस फोटो के अंदर एमएलसी पुष्पराज जैन भी थे। और अमित मालवीय ने उस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि मई 2015 में अखिलेश यादव एक प्रतिनिधि मंडल लेकर फ्रांस के ग्रासे शहर गए थे, कारण बताया कन्नौज में परफ्यूम पार्क बनाना। यात्रा की इस तस्वीर में नजर आ रहे उनके इत्र वाले मित्र, ये वही है जिनकी दीवारों के पीछे और जमीन के नीचे से निकल रही है यूपी की जनता से लूटी गई अकूत दौलत। इस फोटो के अंदर अखिलेश यादव, एमएलसी पुष्पराज जैन, उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत कई लोग नजर आ रहे थे। और इसी पर मीडिया ने अखिलेश यादव से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ोटो को लेकर एक गलत इन्फॉर्मेशन साझा की है और ये बेहद ही गलत है। बीजेपी अब चुनाव हार रही है और इसको लेकर वह समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है किसी भी तरीके से। तो ये अब नया मामला छिड़ चुका है और अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं अपनी टीम से कहूँगा और साथ ही हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि नया मामला क्या नज़र आता है और इसके अंदर क्या चीज़ अब नई सामने आती है, ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।